आपके साथ में जैसे लास्ट टाइम थोड़े से लेयर्स डाले थे ना, फिर से वही कर देते ताकि वो भी कट जाए। पर अब आपके 100% स्प्लिट एंड्स चले गए। हाँ, वही हिम्मत करके मैंने फाइनली करा लिया। पर अभी भी आपकी लेंथ तो अच्छे खासे मेंटेन ही है। हाँ, इनके ऐसे बात तो बढ़ती ही है। अग्री करते हो? ये चीज़ मैं बहुत बिलीव करती हूँ, पता है, इसलिए मैं बाल का भी हड्डी से मैया से मैं ट्राई कर चुकी हूँ ना, मेरा लास्ट टाइम भी अच्छा ग्रोथ हुआ था। बहुत मच्छर कर दिया है, बहुत मार दी। अच्छा हुआ ना बिजली गया, तो फिर इसी बहाने आपको इनसे फिर से हेयर कट करवाने को बोला, अदरवाइज नहीं कट करती। ऐसा मैं बुरा नहीं करती हूँ। हाँ, मैंने आपसे हेयर कट नहीं कराया थी, पता है, मैंने हमेशा भैया से ही कराया है, जब भी कराया है। बट मैं आईब्रो आपके अलावा किसी से भी कर करती हूँ। ऐसा? हाँ, मैंने लास्ट टाइम घर गई थी तो बढ़ गए थे आईब्रोज, मैंने हल्का हल्का, फिर वो फेस पे जर आता है ना उससे हल्का हल्का वो कर लिया था, मैंने बनवाई नहीं थी किसी और से। मुझे बड़ा डर लगता है यार, लोग स्किन विन काट देते हैं, मेरी बहुत गंदी कटती है, आपने देखी है। अरे हाँ यार, सीरियसली आपका तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मेरी ऑफिस कलीग बोलती है तुम हबीब चली जाओ, मैंने बोला मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, बंद ऐसे चली सर्विस के पास में है ना, मैं कुछ हाँ। ब्रांच बोल रही थी, वो क्या होता है वहाँ चली जाओ, मैं बहुत जल्दी जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ पार्लर पे। उसका तो मोबाइल पे ध्यान है, मोबाइल पे आपसे बात कर रहे हैं। अभी स्माइल आ गई क्या अंजित के फेस पे? बोलो, मैं मॉडर्न बच्चा हूँ, मुझे फोन पहले दिखता है। नहीं, फिक्स करना पड़ेगा, मैं नहीं हैंडल कर पा रही हूँ। वो खुद कर देंगे अच्छे से। आप सही बोल रहे थे, स्ट्रेट अच्छे देखने दे दे, वो मुझे अच्छा लगता है। एक मिनट, मोबाइल में तो कोई बात नहीं, कर लेना नहीं मैं पास में, आप देखो तो ने भी रखे थे ना टाइमिंग तो भी। देखो ना मेरे मोबाइल के पीछे, अरे मेरे भी पर्स में है, देखो नहीं है 100 रुपए का चेंज है, आपका मोबाइल का है? हाँ है, है मेडिकल पे जाना था ना, चलो बाय। ये तो सीख जाएगा। हाँ बंदा पांच मिनट से ज्यादा एक चीज पे वो ध्यान नहीं लगा, थोड़ा टाइम भी उबर जैसे एंजॉय करके नहीं किसी चीज को देखते कि हाँ पूरा देखना है वाला, वो लुक है इसके फेस पे।
नेक्स्ट टाइम इससे हेयर कट कर, ठीक है? फिक्स हो गया तुम्हारा, तुम्हारी फर्स्ट क्लाइंट है ना हेयर कट की। और हाथ से काम ना कर पाओ, प्रॉपर सीजर वगैरह ना पकड़ पाओ तो डायरेक्शन देना, हम तुम्हारे कहने पे हेयर कट कर देंगे। पता है बाल ना कटाने का सबसे बड़ा रीजन बताओ दी? मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। पता है पेट और पूरा एक्स्ट्रा फैट सब चुप जाता था। अब खुद को थोड़ी शर्म आएगी। कोई बात नहीं, ज्यादा सेक्सी दिखोगे। सीरियसली यार, छोटे बाल में मैंने पता नहीं, मेरे आपसे भी लंबे बाल थे। हाँ? अभी मैंने बहुत छोटे करवा लिए, इतने छोटे तो मैं ज्यादा अच्छी दिखती हूँ। वो बात अलग है कि अभी भी बन बना के ही रखती हूँ। हाँ, ऑफिस में भी मैं क्लचर लगा के ही प्रिफर करती हूँ, काम करते टाइम सही नहीं लगता। और वैसे भी अब तो गर्मी आने वाली है। बेचारा बहुत अच्छा बच्चा है, इसको बहुत ज़्यादा मच्छर काटा है हाथ में, पर ज़्यादा रोया नहीं हूँ। गर्म पानी में हाथ डाल कर निकल जाता है, अदरवाइज नील शेपर होता है ना, नील शेपर से रब कर फाइलिंग करनी पड़ती है। और कितने टाइम तक टिकती है? डिपेंड आप कैसे केयर करते हो। बहुत ही बुरी तरीके से मेरे जैसे लोगों में तो एक आध महीना भी टिकेगी। कितना? एक महीना भी टिकेगी? नहीं, एक महीना तो वैसे भी नहीं टिकती है। अच्छा, वो बढ़ जाता ना नील्स। एक वीक एक वीक टिकेगा ऐसे, किसी किसी को 45 डेज तक तो रहता है, लेकिन क्या नील्स बढ़ जाते हैं तो वो नहीं अच्छा। मेरे तो बढ़ते हैं जल्दी नील्स और हेयर पर अच्छे से बढ़ते हैं। हाँ, तो फिर यहाँ से देखो, यहाँ से वाइट वाइट दिखेगा। स्कैन करोगे? दो मैं स्कैन कर देती हूँ। आप वापस चले जाते तो वही था। आप लिख कर गए थे उसके 15 मिनट हेयर स्पा का 300 से स्टार्टिंग है। हेयर वॉश कब किया था? कल किया था। कर लूँगा, हो जाएगा, टाइम लगेगा। मैं मेरी छोटी की साथ एक सेल्फी खींचूंगी, ठीक है? बैठो। दिस टू दैट।
इससे पहले ऑयल लगाओ तो बाद में लगाओ। नहीं अभी फेशियल वृंदा के फ्रेंड हो आप? स्टाफ मेंबर हूँ। उनको 6 महीने का लीव नहीं मिला था मैटरनिटी लीव आपकी सिस्टर को? 3 महीने का लिया था उसने, 6 महीने का नहीं मिला। 6 महीने का नहीं, वो वर्क फ्रॉम होम से ही थी, मतलब उसने कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन कर रखी है, वो यूएस में यूज़ की है। हाँ। वो उसके प्रोजेक्ट्स आईटी वाली है, वो उसके प्रोजेक्ट्स बनाना के देती रहती है। अच्छा, तो उसको 3 महीने का ही उन्होंने ग्रांट किया था। ऑन पेरोल नहीं है ना वो? अच्छा, इसीलिए ऑन पेरोल होती तो पूरा 6 महीने देना ही पड़ता। तभी तो उसकी हालत खराब थी। अब थोड़ा मूव कर दो, चल बस बस ये कर दो।
थोड़ा दोनों साइड से शॉर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेटल का शॉर्ट है। चेंज करना पड़ेगा फ्रंट में कर दूँ। मुझे स्प्लिट एंड्स अवॉइड करने के लिए नेक्स्ट हेयर सेट खुद लेना पड़ेगा। हाँ तीन चार मंथ बाद, हाँ तीन मंथ बाद एक ट्रीटमेंट करवा लेना। हाँ ओके। मेरे को बहुत होते हैं ये स्प्लिट एंड्स पता नहीं। हाँ वो कोविड के टाइम पे बहुत इरेगुलर हुआ है सब कुछ। I'm not feeling anything on my back now.
मैं चेंज करती रहती हूँ, लेफ्ट राइट खुद भी चलता है, बस मिडिल पार्ट ही नहीं रहती। मुझे सदमा लगने वाला है, सही बता रही हूँ। अभी तो सब छोटे लगते हैं। अरे लेकिन मुझे दिसंबर तक बाल बड़े चाहिए, पता नहीं कितना महंगा लगेगा। दी बोल के बट हो जाएंगे क्या बड़े पापा जल्दी से? इसलिए बड़े चाहिए मस्त अच्छे से ऑयलिंग वगैरह ऑयलिंग करना तो एक बार इधर आ जाना, मैं क्लीन कर दूंगा। अरे सच में मुझे वीडियो लेना है। ओके ओके ठीक है ठीक है। ऑयलिंग करके आपको शैम्पू कंडीशनर भी ओके देखिए पहले बता रहे हैं। हां जी सैटरडे को आपको इधर ही वॉच करना, रिपेयर में सब कुछ अच्छे से कर देंगे स्क्रीन लेने के बाद। साइलेंट पे होगा।
नहीं सर। ये वॉक्स यहाँ से हटा सकती हो? नहीं तो थोड़ा सा काम मेरा ही होगा। वो भी बच्चा होगा। हम लोग एक्चुअली दी आइटम बना रही थी, लाइट चली गई। इसको यहाँ पे ले आओ। मैंने
ग्रोथ बहुत है इससे जल्दी ट्राई करो। मेरे बैक पे हेयर ज्यादा है, फ्रंट में कम है, बैक में ही ज्यादा है। पहले फ्रंट पे भी इतनी थी, यहाँ पे आके काफी हेयर ग्रोथ के लिए कोई चॉकलेट भी आती है। What? पता नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी क्लाइंट थी वो बोल रही है वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी, चॉकलेट भी खाती है हेयर ग्रोथ का। उसके हेयर तो बहुत ज्यादा है और बहुत लंबे है। मेरे टाइफाइड के बाद झड़े हैं बहुत ही गंदे, फ्रंट में बहुत कम हो गए हैं मेरे, जितने बैक में आप देख रहे हैं ना सेम ग्रोथ फ्रंट से भी थी, बट अभी फ्रंट में बहुत कम हो गया। मैं तेरे फोन करी होती हूँ यार, आईब्रो ने वो तो कराओ मटे तो कोई किधर तो क्या ही जाओ अंधेरे। अनन्य
सुना लिया एक ले लो उसके।